अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए मुगल किचन में नई डिश लेके आए हैं, भिंडी आलू बनाना बताएंगे। भिंडी 1 किलो है, 4 आलू हैं, 200 ग्राम टमाटर काटे हुए हैं, 250 ग्राम प्याज है, 250 ग्राम तेल है, लाल कुटी मिर्चें हैं, हरी मिर्चें पीसी हुई हैं, हल्दी पाउडर है, नमक है, ज़ीरा है, कटे हुए लहसुन है, नींबू है। मैं आज आपको ये भिंडी बनाना बता रही हूँ, हैं फिर बता। मैं अभी ये कढ़ाई रख रही हूँ चूल्हे पे, और अब इसमें मैं तेल डालती हूँ, फिर मैं भिंडी अलग फ्राई करूँगी, आलू अलग। ये देखें, इसके अंदर मैं भिंडी भी फ्राई करूँगी और आलू भी फ्राई करके लूंगा, बाकी तेल मैं बाद में डालूंगी। देखें, सबसे पहले मैं है ना आलू है ना डाल रही हूँ गरम घी में। सबसे पहले मैं आलू को फ्राई करूंगी। आलू को फ्राई करके निकाल के ना फिर मैंने भिंडी फ्राई करनी है। ये देखें, ये आलू ना फिर भिंडी और आलू है ना इस तरीके मजे का बनता है ना, अभी पहले किसी ने और ने पकाया नहीं होगा जिससे कि मैं बना रही हूँ ये भिंडी आलू। देखें, ये आलू जो मैंने तलने के लिए रखे थे ना, आलू देखो कैसे हल्के हल्के गोल्डन से हो गए। अब मैं इनको निकाल लूँगी, इनके बाद मैं ना भिंडी डालूंगी। फिर भिंडी में मुझे इसी तरीके से करनी है भिंडी में, ना तो भिंडी में लेस रहेगी ना आलू में, दोनों चीज़ में लेस नहीं रहेगा। देखिए कितने खूबसूरत लालू लग रहे हैं तले हुए, और इसी तरीके से भिंडी में भी ये लेस नहीं छोड़ेंगे ना, भिंडी इसके साथ लेस अपना फेंकेगी। उसके बाद में एंड में नींबू का पानी डालूंगी। नींबू मैंने रखे हैं, मैंने आपको भी मैंने बताया ना, आप देखें इसके अंदर में ये भिंडी जो 1 किलो रखी है, ये मैं 1 किलो भिंडी पूरी डाल लूँगी। ये भिंडी जब ये हो जाएगी ना, इसके भिंडी का पानी खुश्क हो जाएगा, भिंडी लेस नहीं छोड़ती है। ये भिंडी मैं तल के बना रही हूँ। ये देखें, भिंडी को मैं अभी तलने पे आ गई, अभी इसके अंदर मैं हल्का सा ना नमक डालूंगी, जो भिंडी के अंदर नमक हो जाए। देखें मैंने हल्का सा डाला, ये भिंडी का लेस पना भी मार देगा। ये देखना भिंडी इस तरीके से हो जाएगी तली हुई। ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है भिंडी। भिंडी अपना लेस है ना ख़त्म कर देती है तेल में जाने के बाद। फिर इसका ये देखें, ये भिंडी है ना अब तल चुकी है, मैं इसको निकाल रही हूँ। निकाल के इसके अंदर फिर मैं ना प्याज और टमाटर वगैरह डाल दूंगी। ये देखें, ये तेल भी मुझे डालने के लिए इसी तेल में हो जाएगा, जब कम पड़ेगा फिर डाल दूंगी, नहीं तो इसी में हो जाएगी भिंडी, क्यों भिंडी के अंदर भी तेल है, आलू भी उसमें तेल में गले में, बस इसी के अंदर तैयार कर दूंगी। मैं सबसे पहले ना मैंने भिंडी निकाल ली ना, सबसे पहले जो मेरे पास कटे हुए लहसुन रखे ना, ये मैं डाल लूँ कटे हुए लहसुन। अभी थोड़े से हल्के से जाते हैं, फिर इसके अंदर मैं वो प्याज डालूंगी रखी हुई ना कटी हुई, प्याज जो लहसुन को मिलाने के बाद ना इसके अंदर मैं डालूंगी टमाटर जो कटे हुए रखे हैं।
मुझे टमाटर और प्याज दोनों गलने पर आ जाएंगे ना, फिर दूसरा मसाले डालेंगे। ये देखें अभी टमाटर और जो प्याज गल जाएंगे ना, फिर मैं इसके अंदर ना मसाले डाल दूंगी। ये देखें मैंने जो प्याज और टमाटर है ना गलने के लिए भी देखें गल गया है। अभी इसके अंदर जो मैं मसाले रखे ना ये डाल लेंगे। ये कुटी मिर्च है, ये हरी मिर्च है पिसी हुई, ये हल्दी है और ये जीरा है, ये साथ ही डाल लो। हल्का सा नमक डालूंगी, नमक तो पहले भी डाला हुआ ना भिंडी में। इसके अंदर फिर इसमें भून गया ना इसको, तो मिलाने के बाद ना फिर इसके अंदर ना थोड़ी देर के बाद है ना इसको थोड़ा सा पानी डालूंगी इसके अंदर। ये देखें थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, इसमें ये हल्दी की जो हीक नहीं आए इसके अंदर बाद में डालूंगी। में मसाला है ये मेरा तैयार हो चुका है। अभी इसके अंदर सबसे पहले मैं डालूंगी आलू, तो थोड़े से आलू है ना गलने में टाइम लेते हैं। ये जो मैंने तल के आलू रखे हैं तो ये डाल दूंगी। आलू की थोड़ी देर के बाद इसमें डालूंगी भिंडी। ये देखें ये भी मैंने आलू डाला था ना, अभी इसके अंदर में ये जो भिंडी तल के रखी थी भिंडी भी डाल, मिटली भी तल के डाल दिया मैं। आज इसके अंदर थोड़ी सी देर भी इसको ढक्कन लगा देती हूँ मैं, चला ये तैयार हो गई। बाद में नींबू डालूंगी। देखे मैंने अभी इसको ढक्कन लगा दिया है, जो ये सही हो जाए चूल्हा से लो कर दिया। ये देखें जो मैंने भिंडी में थोड़ी देर दम पे रखा, ये भिंडी हो गई तैयार। मैं उतारती हूँ, नींबू का पानी पहले मैं डालती हूँ। ये देखें ये हो गई तैयार, मैंने चूल्हा बंद कर दिया। ये जो मैंने नींबू का पानी रखा है ना, ये देखें हम ये मैं डाल दी इसके अंदर, जो पहले भी टमाटर वगैरह भी डले हुए ना, फिर नींबू के पानी से जायका अच्छा ही हो जाता है इसका भिंडी। हम इसको उतार के दिखाती हूँ पहले। कितना सालन में खूबसूरती आ रही है आलू और भिंडी में। भिंडी तैयार हो चुकी है, भिंडी और आलू।